नमस्कार, मैं प्रीति पूजा अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी है सोया बड़ी और शिमला मिर्च की सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और सोया बड़ी और शिमला मिर्च के गुणों के कारण बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सोयाबीन बड़ी ली है। इसे रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पानी गर्म होने रख दिया है और अब ये उबलने लग गया है, तो इसमें बढ़िया डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ढककर 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 शिमला मिर्च और 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं। इन्हें काटकर तैयार कर लेंगे। और अब मैंने इन्हें काटकर तैयार कर लिया है। शिमला मिर्च को इस तरह से लंबाई में पतला पतला काट लें। प्याज को भी इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काटेंगे। इसके साथ ही साथ मैंने 1 हरी मिर्च को भी इस तरह से बारीक काटकर तैयार कर लिया है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर लेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को भी कद्दूकस कर लेंगे, जिससे इनका पेस्ट तैयार हो जाए। आप चाहो तो इन्हें काटकर मिक्सी की जार में भी डालकर पीसकर पेस्ट तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इन्हें कद्दूकस करके पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब इन बड़ियों को भी पानी में से निकाल लेंगे। 2-3 बार पानी बदलते हुए इन्हें निचोड़कर तैयार कर लेंगे। और अब इन्हें भी मैंने तैयार कर लिया है। अब हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, तो अब सब्जी बना लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है। 3-4 टेबलस्पून जितना तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है। इस सब्जी में किसी भी बघार की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम प्याज और हरी मिर्च डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हमें पारदर्शी होने तक भून लेना है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, भून लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से सब्जी का कलर बढ़िया लाल निकल कर आता है। मसालों को मैंने वापस 2 मिनट तक भून लिया है और अब ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब इसमें हम स्वादानुसार नमक और टमाटर का पेस्ट जो हमने तैयार किया था वो भी डाल देते हैं। मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे हम मसालों के तेल छोड़ने तक भून लेंगे। और अब हमारा मसाला तेल छोड़ने लग गया है, तो अब इसमें हम पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डाल दिया है। मिक्स करते हुए इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। पाव भाजी मसाला ऐड करने से हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया निकल कर आएगा। और अब ये सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और मसाला भी अच्छी तरह से भून कर तेल छोड़ने लग गया है। तो अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। और अब सारे मसाले शिमला मिर्च पर अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। 3-4 टेबलस्पून जितना पानी डाल देंगे। एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। फ्लेम को लो कर लेंगे। ढक कर इसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे, ताकि शिमला मिर्च 50% तक कुक हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, एक बार चला लेते हैं। अब इसमें हम सोयाबीन बड़ी भी डाल देंगे। चलाते हुए अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। ढक कर इसे हम 2 मिनट तक पकने देंगे, ताकि सारे मसालों का टेस्ट बड़ियों में अच्छी तरह से आ जाए। और अब 2 मिनट हो चुका है, एक बार अच्छी तरह से चला देंगे। हमारी सब्जी तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब लास्ट में सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम 1/2 टुकड़ा नींबू का निचोड़ देंगे। मिक्स कर लेंगे। बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां डाल देते हैं। मिक्स कर लेंगे। सर्व कर लेते हैं। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसमें सोयाबीन बड़ी और शिमला मिर्च के गुणों के कारण ये बहुत ही पौष्टिक भी होती है। पाव भाजी मसाला ऐड करने से
बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है और बड़े ही चाव से ये पराठे के साथ खा लेते हैं। और लास्ट में नींबू इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी या नान के साथ सर्व करें। इतनी सब्जी आप घर के 4 से 5 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हो। तो आज मैंने आपको सोया बड़ी और शिमला मिर्च की स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी की रेसिपी बताई है। इसे बनाकर आप जरूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक यानी कि थम्सअप के बटन पर क्लिक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब लास्ट में एक बार फिर से इसे बनाने की सामग्री मैं आपको बता देती हूँ। सोया बड़ी 1 कप, प्याज 2 मीडियम साइज के, शिमला मिर्च 3 मीडियम साइज के, टमाटर 2 मीडियम साइज के, हरी मिर्च 1 या 2, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, तेल 3-4 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, पाव भाजी मसाला 1.5 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार, नींबू 1/2 टुकड़ा, बारीक कटी हरी धनिया की पत्तियां 2 से 3 टेबलस्पून। इस रेसिपी को लास्ट तक देखने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ मेरे चैनल कुकिंग विद प्रीति पूजा पर।